आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। ट्रेड वॉर, इस शब्द ने पूरे स्टॉक मार्केट की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। और कब ये ट्रेड वॉर स्टॉप होगा ये कोई नहीं जानता। अभी आज ही हमने देखा इसका एक एग्जांपल, आयशर मोटर्स जैसा दिग्गज शेयर धराशाही हो गया केवल ट्रंप के एक बयान के चलते, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि भारत बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी अप्लाई करता है US प्रोडक्ट्स पर, और अगर भारत ने उसको कम नहीं किया तो अमेरिका भी जो कि इंडियन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो जो इंडियन प्रोडक्ट जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं और जिनका जो सप्लाई जो होता है वो US में जाता है एक्सपोर्ट होता है उनको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से आज आयशर मोटर जैसे ज़बरदस्त और दिग्गज स्टॉक के अंदर हमें बहुत ही बड़ा डरावना अगर कहा जाए फॉल देखने को मिला। अभी कहानी यही नहीं ख़त्म हुई आयशर मोटर के अंदर, दोस्तों कहानी तो अभी शुरू हुई है। आयशर मोटर में अगर गिरावट नहीं थमी तो ये स्टॉक 20,000 तक भी जा सकता है जहां पर ये अपना मजबूत सपोर्ट लेवल बनाएगा। 20,600 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इन द आयशर मोटर। बट फिलहाल यहाँ पर आप जो देखिए गिरावट का दौर नहीं थम रहा और यहाँ पर एक छोटा सपोर्ट है जो कि 23,100 का, यानी कि अगर मार्केट में आयशर मोटर्स में और गिरावट आती है और आयशर मोटर 23,000 या उससे नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता है देन उसके बाद आपको 20,600-20,500 की रेंज में आयशर मोटर देखने को मिल जाएगा। ये स्टॉक इस तरह से घबरा चुका है और अभी ट्रंप का बयान भी आया, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जनरली अमेरिका 25% की ड्यूटी इम्पोज करता है जबकि इंडिया 100% तक की ड्यूटी लगाता है US प्रोडक्ट्स के ऊपर। अभी हालांकि हाल फिलहाल में ही कुछ ड्यूटीज़ को लेके मिस्टर ट्रंप की मिस्टर मोदी से बातचीत हुई कहा जाता है, और उसमें कहा जाता है कि कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटीज़ को डिक्रीज़ किया बट ट्रंप प्रशासन उससे खुश नहीं है। उनको लगता है कि जो ड्यूटीज़ हैं वो और ज़्यादा कम करनी चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा ड्यूटी इम्पोज करता है। सो यही एक डर है जिसकी वजह से मार्केट लगातार गिर रहा है। आज ज़बरदस्त गिरा मार्केट में। और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो RBI की क्रेडिट रेट है, क्रेडिट पॉलिसी जो कि 5 अक्टूबर को है, माना जा रहा है कि उसमें RBI रेट कट करने के बजाय रेट हाइक कर सकता है, और अगर रेट हाइक होते हैं तो मार्केट में और भी ज़्यादा वीकनेस जो है वो बनी रहेगी। तो ये ट्रेड वॉर का पूरा इम्पैक्ट है। अभी चाइना और अमेरिका के बीच में ज़बरदस्त ट्रेड वॉर चल रहा है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुझे लगता है कि इंडिया भी उस ट्रेड वॉर की चपेट में आ सकता है। और अगर ऐसा होता है, हालांकि ये लोग कुछ इंडिया और अमेरिका दोनों कुछ नीतियों पे काम कर रहे हैं जिसका समझौता अगर हो जाता है तो दोनों ही देशों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, बट कब होगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सो फिलहाल मार्केट में अभी वीकनेस है, और अभी मैं यही कहूँगा कि अभी फिलहाल आप किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री पोजिशन लेने से बचिएगा, वेट कीजिएगा मार्केट में। मार्केट में इस वक्त निफ्टी लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है, और अगर यही पैटर्न कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है कि जो निफ्टी है वो आने वाले दिनों में 10,500-10,600 के रेंज में भी हमें दिखाई दे सकता। तो गेट रेडी फ्रेंड्स एंड जस्ट वॉच द मार्केट ओनली, नो ट्रेडिंग, डोंट इनिशिएट एनी फ्रेश बाइंग। कुछ दिन रुकिएगा, मार्केट के सेंटिमेंट को इम्प्रूव होने दीजिएगा, उसके बाद आपके पास अनगिनत मौके होंगे मार्केट में पैसा लगाने के। बट जब तक सही लेवल नहीं आ जाते, जब तक मार्केट में स्ट्रांगनेस या रिकवरी के सिग्नल नहीं आ जाते, तब तक आप बच के रखें। तो ये हमने बात की ट्रेड वॉर के थ्रू, आज जो एक बड़ा दिग्गज स्टॉक आयशर मोटर क्यों गिरा उसके बारे में हमने बताया, बेसिक ब्रीफ में बताया कि चूँकि ट्रंप प्रशासन ने ड्यूटीज़ बढ़ाने की बात की, और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं आयशर मोटर्स को होने वाला है। सो फ्रेंड्स आगे भी हम इसी तरह की कुछ छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से।
लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं। दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।